नमस्कार प्रणाम आदरणीय श्रोता, अभी रुवा सुनत बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़ और कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रुवा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बा। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रुवा लोगिन के साथ, और हमनी के चुनाव के कारण थोड़ा प्रोग्राम डिस्टर्ब रहा, एकरा खातिर माफी कह जाओ। और फिर से निरंतर रेडियो सानवी के साथ रुवा लोगिन के साथ उपस्थिति समसामयिक विषय के लेकर के होखल ले। और आज हमनी के साथ में धोबनी गांव पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन चौहान जी बानी, वहाँ के कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत करके चाहे। स्वागत बटे मदन चौहान सर, कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहा बटे अभी? हेलो, का हो रहा बा? अब हमनी के पालिका में चुनाव का भरखर नतीजा भइल, चुनाव में थकान बा, तनका आराम प्लस भेट घाट, और अब शपथ ग्रहण के इंतजार ये हो रहा जी। और रुवा के बहुत बहुत बधाई भी बाटे, जनता रुवा के मौका देले बाटे हमरा सेवा करे के, और जनता जब रुवा के अपन अमूल्य मत दे के निर्वाचित कैले बाटे, तो जनता के खातिर अब का करम रुवा? जनता के निर्वाचित जौन सोच के कैले बा, ओकर पूरा उद्देश्य जौन बाटे, जनता निर्वाचित करेला कहेला जनप्रतिनिधि बा, जनता के सुविधा चाहिए, जौन सुविधा के प्रदान करे के हमर उद्देश्य यह बा, जनता के हरेक मामला में, शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, कृषि के मामला में, यातायात के मामला में, जितना भी सुविधा हो के जी, सब सुविधा ईमानदारी के साथ हम जनता में जहाँ तक ईमानदारी के साथ में जनता के साथ बढ़िया तरीका से काम करें, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि के बात कनी हुआ, बहुत ऐसा रौरा गांव के अवस्था देखल है, रौरा पालिका के अवस्था देखल है, बहुत ऐसा स्कूल में बढ़िया तरीका से ना हुआ शिक्षक व्यवस्थित बाटे लोग, ना हुआ विद्यार्थी व्यवस्थित बा, अनेकन प्रॉब्लम शिक्षा के अवस्था में देखे के मिलल बाटे, ओकरा के कैसे रुआ सुधार करें? वही कारण से तो वही कारण से जनता परिवर्तन खोजलक जी, जन विगत के दिन में देखल यहाँ तो ना कुछ के कोनो मतलब ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, कोनो चीज में, कोनो चीज में परिवर्तन नहीं, सब सब जितना भी बा पहले का लोग जितना रहे वो सब कोई क्या कर कागज में खाली सीमित रह के अपने आप अपन एगो विकास के लिए जनता के विकास में, जनता के सुख सुविधा में ना रखे, तब वैसे आज परिवर्तन कैले बा, हम परिवर्तन कैले बा, हमरा के बनेले बा, तो ओकरा के परिवर्तन क के हम एकदम देखाएं, ईमानदारी के साथ देखाएं, लेकिन 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 रउवा जब परिवर्तन ना करम तो फिर आवेला चुनाव में रउवा के जनता परिवर्तन कर दे, एकदम परिवर्तन करी, ओकर एकदम हक अधिकार भले बा जनता के, जनता के हम ये बार बार हम वोट भी मांगले बानी, जे काम नहीं के करत ओकरा के प्रतिनिधि के परिवर्तन करे के पड़ी अपने लग, हमू ना काम करम तो अपने लग हमरो के परिवर्तन करम, आ वो परिवर्तन खाली ना हम अपने लगे सामने फेनु वोट मांगे आए तो हम छुट्टा खुला रूप से जवाब भी जवाब सवाल भी करे पड़ी, जवाब भी लेवे के पड़ी, जो अपने जितनी तक क्या कोई इतना राख कर लगन आ परिवर्तन करी लगन आ जनता हमरा के परिवर्तन करके हमरा के मने जीता दल जी। अब जहाँ तक शिक्षा के बात रुवा कहनी है, जे शिक्षा में विकास नहीं के भइल, कृषि में विकास नहीं के भइल, स्वास्थ्य में विकास नहीं के भइल, तो जनता परिवर्तन कैलक ह जे शिक्षा में विकास हो, स्वास्थ्य में विकास हो, कृषि में विकास हो। अब समग्र रूप में बात कैल है तो हमने के गांव ठाँव के जितना भी जनता बनी, जितना भी युवा लोग बाटे, तो कृषि से जहाँ तक देखल है बहुत लोग कृषि से ही आधारित बनी, और समय पर खाद ना मिलेला, समय पर पानी ना मिलेला, नहर के पानी भी ना मिलेला, तो ऐसे जनता जी लोग पीड़ित रहे नहीं, तो शिक्षा के समस्या के साथे साथे कृषि के समस्या में कितना ध्यान दें? शिक्षा में जन कमी कमजोरी सीधे लौकता, जो कोनो स्कूल में हमने के देखा जाता शिक्षा में, जैसे मावी स्कूल बा, वो में स्कूल तो स्वीकृति मिल गई, स्कूल पढ़ाई भी लेके होता, लेकिन होता ही परफेक्ट टीचर, जैसे सब्जेक्टिव टीचर भी नहीं। अब बताएं जो स्कूल में लड़का तो पढ़ता, पास भी होता, ग्रेडिंग सिस्टम से भी पास हो जाता जी। लेकिन क्वालिटी नहीं मिल सकत, हमारा क्वांटिटी मिलता लेकिन क्वालिटी नहीं मिल, क्वालिटी अनुसार हमने के सब व्यवस्थित करते, टीचर के पूरा ध्यान दे के व्यवस्थित टाइम टेबल पढ़ावे के,
सब कुछ जितना प्रक्रिया होकर उस सब हमी के कर्मसन और दूसरा कृषि वाला बात कृषि के भी खाद के कोनो अनमोल में रहता ओकर पूर्ण रूप से हमनी के व्यवस्था मिला के कृषि में भी हमनी के किसान लोग के अवरोध ना होकर सके सम अपना जितना होकर जिम्मेवारी समझ के जनता के एकदम खुश रखे के सब कुछ के व्यवस्था हमने मिला जी। लेकिन जनता के हक के हित में रउआ काम करें मदन चौहान जी, और साथे साथ ही बताएं जे हमनी के गांव ठाव में ये भी देखे के मिलला हर पालिका के बात कैला अब तो पालिका भइल ओकरा बाद में स्वास्थ्य चौकी में एगो नॉर्मल जोन डिलीवरी रहला ओकरा के भी व्यवस्थित कहीं कहीं हमरा अपना पालिका में रुवा लोग ना कर सकेनी चाहे वहाँ के पीतल समय के मेयर साहब हो किलो अच्छा एक बाद में मेयर साहब लोग काम करें ये जनता के और मेयर साहब लोग के ही पता बाटे। लेकिन जौन ये देखे के मिलला डिलीवरी के अवस्था एकदम जहाँ सीरियस होला वहाँ से डायरेक्ट नारायणी में लागू पड़ला बीरगंज मेडिकल में वहाँ से बहुत दूर से 20 किलो 25 किलोमीटर पार करके आगे पड़ला बीरगंज। लेकिन उस सुविधा स्वास्थ्य के सुविधा अपना गांव ठाव में अपना पालिका में भी व्यवस्थित तक कर सकल जाताटे कही जाता है एकदम कही सकता था सब कुछ का सुविधा बा सब कुछ का सुविधा बा खाली व्यवस्थित करे वाला आदमी चाहे सब सुविधा मिले लगे करे के सोच ही नहीं के कमाई के सोच बा तो व्यवस्था ना होकर खेगी। लेकिन जनता के हक हित में काम करे वाला सोच विचार खाली बन जाए सब कुछ हो जाए कौन हुकूमत के बात में। और रोजगारी के भी अवस्था वैसे ना रहल बाटे हमनी के युवा लोग बेरोजगार बनी बेरोजगारी के चलते गलत गलत कदम उठा रहल बनी युवा लोग विभिन्न गांव ठाव में रुआ देखी रुआ भी गांव ठाव से विलंब कर रहल बने रुआ अपना गांव ठाव में देखी बहुत युवा लोग कहीं 10 आदमी ताश खेलत बानी जुआ खेलत बानी केहू दारू पियत बानी केहू ब्लैक करत बानी ऐसा ऐसा अवस्था में युवा लोग बाटे। और युवा लोग के रुआ लोग कैसे आगे बढ़ाएं युवा लोग कैसे रोजगार बनाएं बेरोजगारी अवस्था हमने के समग्र रूप में बात की है तो बहुत ज्यादा रहल बाटे पहले बाटे युवा पालिका स्तर में कथी बा अब कितना हक अधिकार कितना करता कितना रोजगारी नेपाले के अधिराज के बात बढ़े आजकल पूरा लोग युवा लोग विदेश पलायन बा जी नेपाले अधिराज के बात पहले पालिका के छोड़ देवल जाए तो नेपाले अधिकार के बारे में सोचे विचार नहीं करो जे का कोई ना जो हमने के ज्यादा ज्यादा संख्या युवा लोग सब विदेश से रहते नेपाल में नेपाल में रहते नहीं एक रोजगारे नहीं है मिलता तो अब हमार पालिका के स्तरीय जो हमने के स्थानीय सरकार पालिका धुबली गाँव पालिका के जहाँ तक सवाल बा हम कोशिश करम देखम वो टाइम में हम अब तो कार्यभार संभालें सकभर कोशिश करम जे जितना होके अपना क्षमता अनुसार उतना भी हम बेरोजगारी हटा के रोजगारी में हम रखे कोशिश करम। कृषि स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगारी के रुआ लगभग जितना सकें उतना पूरा करें। हेलो हाँ हेलो कृषि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगारी के जितना भी रुआ सकें उतना पूरा करें जी। और एजेंडा जहाँ तक देखल है मेन एजेंडा और कृषि स्वास्थ्य और बेरोजगारी के रोजगारी में परिवर्तन करे खातर रुआ लागल बानी और चुनाव भी रुआ जीतल बानी तो अब की बार कुछ परिवर्तन हो को जे जनता फिर से दोबारा रुआ के मौका दे हो जे हाँ फिर से मदने चौहान जी अब मदन चौहान जी के परिवर्तन जनता ना करो कह के जनता के खातर इतना रुआ बढ़िया तरीका से काम करें नु एकरा बाद में एकदम करें अपने तो अपने के सानवी रेडियो से बोलता नहीं अपने लगे तो ये बात नहीं अपने हमारे 5 साल के अवधि रही 5 साल के अवधि तक अपने लग रहे पत्रकार पूरा रहबे करता पूरा वाच करबे करी जब हम मदन चौहान काम करता क्या करता ना पूरा देखे के मिली एकदम अथी रही हमने कहा ऐसा विकास करे वाला विकास सोच के रखे वाला मतलब कि राजनीति एगो व्यवसाय बना के जो आज तक रखा था सरकार ने हमके काम करे वाला देखते ऐसा काम करके तरफ राजनीतिक व्यवसाय बना के रखत बाटे लोग वैसा ना रुआ अलग तरीका के नगर पालिका में रुआ अपना पालिका में गांव पालिका में परिवर्तन करें राजनीति के बिजनेस ना बनाए रुआ जी जी। रेडियो सानवी के माध्यम से और पालिका के जनता सुनत बानी आजकल जनता टिकटक बनाए नहीं बात काट के ध्यान दे रुआ जो बात बोलत बनी था पर जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के खातर नेक्स्ट वीक गेस्ट बने और कार्यक्रम का अंत में धोबनी गांव पालिका वासी के रुआ क्या कहे के चाहे धोबनी गांव पालिका वासी लोग ये कहे के चाहे के जौन तरीका से जौन आशा लेके अपने लगे हमारे के निर्वाचित कहीं नहीं लगा जी वो अपने के आशा निराशा ना होगी अपने के हरेक इच्छा पूरा हो घबराई लगा मत
हमारे विश्वास रखी लगन अपने लगन देखे के मिली। अगर हम नहीं करब हम काम ना करब तो बिहान अपने लगन के सब शक्ति तो अपने के हाथ में बा। धन्यवाद बिहान हमरा के हटा भी सकत नहीं लगन एमे कोनो दुख मत के बात नहीं के हम धोमी गाँव के काम कायम सब के अपने लगन के जितना मान्यता से जितना आस लेके वोट देने लगन मत देने लगन हमरा के निर्वाचित कही लगन अपने लगन के एकदम सब काम संतुष्ट करके हम जाए गाँव पालिका के एगो नमूना गाँव पालिका के रूप में लेके जाए। जी धन्यवाद मदन जी रुआ समय देने के लिए छूटे जाए। नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता के साथ में रही धोबनी गाँव पालिका के नव निर्वाचित मदन चौहान जी। वहाँ से विभिन्न बात कहने सन कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर और साथ में बेरोजगारी के ऊपर भी बात कहने सन। बहुत जगह देखल है तो बेरोजगारी हमने के युवा में बहुत ज़्यादा बाटे। बीतल समय में नेताजी लोग जीत के युवा के साथ का कहनी, लेकिन परसा जिला के लोग वास्तव में परिवर्तन बहुत जगह कर चुकल बाटे। जनता के जे सतैनी जनता के साथे जे घमंड कहनी अपना आप के बहुत बड़का नेता से कहनी अपना आप के मेयर बनला के बाद में वहाँ के बुझ गई जब मंत्री ही बानी वो मेयर लोग के हालत एवरा पूछला पर कहीं हो सके तो बहुत ज़्यादा वहाँ लोग अब कौना सहारे जियत हो के हम अब तो बात हम ना बता सके वहाँ लोग के लगे हम नहीं के बहुत मेयर साहब लोग चैलेंज के लिए रहनी जो हम हेतना से हम हई करें और बहुत मेयर साहब लोग पूरा ठेके ले रहनी जो एक नंबर वार्ड से लेकर पूरा वार्ड हम जीतबे करें, लेकिन जनता परिवर्तन कर दलक। जनता ऐसा अभी नेताजी लोग के समझे में बहुत टाइम लगी और अब की बार के चुनाव में जनता एकरे के कहला खाई नोच के और वोट दी सोच के वास्तव में अब की बार के चुनाव में हो चुकल बाटे। जनता खैले बने कहीं और गैले बने कहीं। और फिर से हमने के साथ में बहुदरा माई नगर पालिका वाडा नंबर 2 के वाडा अध्यक्ष जितेंद्र पटेल जी बानी वहाँ के कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत कर जाए। स्वागत बटे जितेंद्र जी कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद बहुत बहुत बधाई बटे दोबारा रुआ फिर जनता के सेवा करे के मौका मिले लेकर खातिर। अपने के भी वेलकम बा बोदरमई नगर पालिका दो में अपने के शांति एफएम के परिवार समेत। जी अब जहाँ तक देखल रुआ लोग इनके पत्रकार सम्मेलन देखे के मिलल खा जे अपन पार्टी हमनी के अंतर्घात के लिए बाटे वास्तव में कहाँ तक सोचाई रहल बाटे। ये निश्चित रूप में बा अपने के अंतर्घात के लिए बा कांग्रेस के झंडा टांग के लोग आईएमएलए के जसवा के वोट मांगल हमनी के अपन आंख से देखले बनी से सुनले बनी छन। अब हमनी के पार्टीगत भइला से विवाद होई झगड़ा होई कह के ना बोलनी छन और चुनाव बीतो कह के बाद में अपन पार्टी में लड़ल झगड़ल पार्टी में अगुआ लोग के जानकारी करावल कह के हमनी के जानकारी कर जनता आरोप लगावत बने जितेंद्र पटेल जी के मेयर साहब ना जितनी है तो ये लोग अनाप शनाप का दिन पत्रकार सम्मेलन में बोलत बानी कह के जनता कहत रहनी है एकदम गलत बात। हम ही जनता से कहे जनता हमनी के तो वोट दिल ही बाज हमने तो जीतल ही बनी सर हमनी के अंतर्द्वंद से हमनी के हारल बनी सर। जी अब यहाँ तक रुआ लोगों ने को बात और ही कहनी है जे विधायक जी लोग अपना भाई के लड़ा के एगो पार्टी के आदमी हो के पार्टी के साथ अंतर्घात करके कुछ रुआ लोग नाम भी हमें प्रश्न पर ले बनी रुआ और मेयर साहब जी लोग। जी जी हमने देख लिया सर काउंटिंग में भी हमने देख ली सर काउंटिंग में बैठे वाला साथी लोग भी देख लो जे एगो जो विधायक होके जेकर भाई स्वतंत्र से उम्मीदवारी दे के वो अपने के ठीक बा स्वतंत्र से उम्मीदवारी में तो स्वतंत्र में मात्र वोट मारे के चाहिए एगो 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 मुड़ा में एगो छाता में वोट तो कहा के नैतिकता बा तो नैतिकता विहीन काम भइल बा ऐसे स्पष्ट रूप में देखल गेल बा जे ई तो अंतर्घात वाला चीज रहे के बा तो आर पार रही ना खुला रूप में ओमे केहू कुछ ना बोल सकता और कांग्रेस के झंडा बोकी कांग्रेस के विधायक रही आ वोट मारी जसपा के वोट मारी तो ई तो बात नहीं है ना ठीक ई तो एकदम सरासर गलत बा। जी अब अंतर्घात तो रुआ साथ है अब रुआ लगन जहाँ तक के सीधा बात रुआ राजेश्वर जी पर लगनी है लगन राजेश्वर जी विधायक जी पर और वहाँ पर रुआ लोग जब आरोप लगावत बने जो वहाँ हमनी के साथ ही अंतर्घात के लिए बने और रुआ लोग ये भी कहत बने जे एगो का दिन छाप मुड़ा पर एगो छाप छाता पर तो एकदम निश्चित बा एकदम वहाँ से पूछला भी वहाँ के बता दे एकदम ओमे प्रमाण बा अपने के काउंटिंग बा अपने बैलेट पेपर सब बा अपने के देख रिपीट करा सकत नहीं देख सकत नहीं एकदम कोनो भी चीज बोलल जाओ सत्य तथ्य पता लगा के बोलो गलत चीज गलते वाला सांच बात साचे वाला। जी अब जहाँ तक उधर जनता के मत है जनता एगो स्वतंत्र तरीका से जाके वहाँ वोट देवे नहीं जनता के हक हित में काम करला जनता उनका के जितावे घर घर जाके मंगले वाले लोग तो एकदम जनता तो अपन डिसीजन करबे कैलक जनता में कोनो किस्म के दुमत नहीं है कोनो किस्म के विवाद नहीं है कोनो किस्म के शंका उपशंका नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता भीतर अंतर्द्वंद ना हो हमर वार्ड में 2 नंबर वार्ड में साथी लोग कांग्रेसी साथी लोग झंडा टांगे कांग्रेस के वोट मांगे एमाले के तो फिर वो जीत के गई नहीं कांग्रेस से
तो कांग्रेस से तो जनता ने जीते लोग हमरा के हम तो हमर काम देके हमर कर्म देके हमर फल के रिजल्ट देलक हम अब वास्तव में देखा लगा जब उ लोग जे जनता के समुदाय में जाके मंगले बा जे एगो एगो वोट देक बा एमाले में गाछी के नइखे देव के तो उ सब जनता समुदाय हमनी के कार्यकर्ता बानु जी हमनी बिना कार्यकर्ता के बिना नगी सनु ये तो संगठन हमनी के बा संगठन में रही या वोट मांगी दूसरा के तो वार पार काहे ना करी को वार पार करो ना जा वार पार अपन पार्टी छोड़ के दूसर में रह जाओ दूसर पार्टी के झंडा टांगे खुला रूप में मांगे जाओ अब हम कांग्रेस या वोट मांगी एमाले के जसवा के वोट मांगी तो हमारे तो दायित्व तो ना हमारे तो नहीं ठीक था ना अब जहाँ तक देखल है अब कुछ जनता भी कमेंट करे लगनी रहा बात पर सुनील यादव जी कह के कमेंट कर दानी जो कुछ प्रूफ बाटे अपने के लगे जो वास्तव में रुआ साथी अंतर्घात भी बाटे और छाता के वोट मांगल गई बाटे कह के तो बैलेट पेपर दिखाते बा अपने के बैलेट पेपर बा जनता बा जरा से मंगले वालों खोल के वो लोग कहता हमनी के सामने मंगले वालों जो छाता में दे सूरज में दे गाछी के हरा के बा तो अब अंतर्घात अब देखल है तो बहुदर माई नगर पालिका में नेपाली कांग्रेस की सरकार ना रहल वहाँ जसपा के सरकार हो गई बाटे बहुत जगह जसपा के सरकार खाली टाउकन हुआ सहमति होके या बहुमत होके नहीं छे कांग्रेस तो यहाँ निश्चित जनता जीते ले बानो जी जी जनता के हमनी के कोनो किस्म का आरोप नहीं है जनता तो जेकरा के चलक हो तो भइल बा हमनी के चलक हमनी जितने सब मेयर साहब के चलो मेयर साहब जीतल बन हमनी के अपन संगठन के बात कर रहा बनी सर नेपाली कांग्रेस के संगठन के अंतर्द्वंद के बात हो जे भी रहो संगठन में रहो साफ सुथरा से रहो खुला दिल से रहो नैसे रहेगा तो अंतर्घात मत करो अब नेपाली कांग्रेस के साथी लोग कांग्रेस के झंडा टांग वोट मांगो दूसर पार्टी के तो दुख वाला बात न बा हमने के संगठन भीतर के अंतर्द्वंद जनता बीच के कोनो अंतर्द्वंद ना हो अब रुवा लोगों के साथे तो अंतर्घात हो चुकल बाटे कौन कदम लेके रुवा लोग आगे बढ़ रहा बानी अब हमने के पार्टी से मांग कर रहा बानी जे जे नेपाली कांग्रेस में बा नेपाली कांग्रेस के एकरा पर लेवल बा क्रियाशील सदस्य बा संगठन के बा उ आदमी अपना में सुधार करो पार्टी ओकरा के कार्रवाई करो अविलंब कार्रवाई करे के मांग कैले बनी सन हमनी के जिला के नेता लोग से अगुआ लोग से अब हमनी तो ग्रास लेवल के नेता बनी सन आए गांव टाउन लेवल के नेता बनी सन हमनी के जनता के बीच में रहे वाला नेता बनी सन और अगुआ लोग ओकर विचार के ओकरा के अविलंब छीनो फान करो अगर छीनो फान नहीं के लोग करो तो ओकरा के जाई ना जाई नहीं के लोग छुट्टिया वाला बा तो उ लोग के साथ भी ज्ञान क्षेत्र में विधायक सांसद के चुनाव में भी अंतर्घात हुई कह के हमनी के अवगत करावे श्याम सन ये अपने एक एफएम के मार्फत द्वारा जी लेकिन वास्तव में बहुत लोग ये बात कहला रुवा लोगन के पार्टी के जरुवा लोगन के पार्टी में वास्तव में हर दम अंतर्घात होते रहला उनका टिकट मिल जाये इनका साथे अंतर्घात इनका टिकट मिल जाये उनका साथे अंतर्घात अब पहले तो हमनी के कांग्रेस में ना रहनी सर हम तो स्वतंत्र से विगत के चुनाव में जीते रहने अब कांग्रेस में आयल बानी अंतर्घात की चीज ये वास्तव में अंतर्घात में कह के हमनी के प्रमाण के साथ कह सकते नहीं सर न तो हमनी के का फायदा बा अपन संगठन में अपने साथी लोग के बीच में बोले के उ साथी लोग के भी रिक्वेस्ट कर रहे के बाद तो एकदम खिला दिल के साफा सुथर से रही नहीं से रहे तो काहे दूसरों को धोखा दी और अपनों को धोखा खाई अपने के टिकटे ना मिली और दूसरा के मिले तो हरावे अभियान हुई तो दोनों पक्ष तो विफल होता न अब एगो बात रुआ जहाँ तक एगो रुआ शब्द यूज कही भल दो मिनट पहले जे बहुमत के सरकार तो नहीं खेनु बहुदर माई नगर पालिका में एकलौटी शासन के तोड़ के सर्वसहमति सर्वदलीय सहमति से चलावे के निर्देशन दिले बा अपन जनप्रतिनिधि पठेला उस संदर्भ में बात कहनी हम लेकिन बहुदर माई नगर पालिका में अब तो जमन भइल अंतर्घात भइल रौरा पार्टी से अंतर्घात भइल रौरा टीम से अंतर्घात भइल दूसरा जगह से तो अंतर्घात नहीं के भइल जहाँ तक वालों ने पत्रकार सम्मेलन करके भी आरोप लगेनी है अब एक ही बार दूसरका बेरी जितेंद्र पटेल जी बढ़िया काम कैनी वहाँ के जनता रुबा के दूसरका बेरी निर्वाचित कैले बाटे जैसे पहले रुआ बढ़िया काम कैले बानी एकरो से बढ़िया काम अब की बार रुआ करे तो ऐसा तरीका से बहुदर माई के परिवर्तन करे के बाटे अब की बार रुआ लोग मिल के बार बार जितेंद्र पटेल जी के सरकार रहो ना वार्ड नंबर दो में तू एकदम निश्चित रूप में हमने के प्री प्लानिंग कर ले बनी हम हमारा जनता के बीच में कैसन रूप में मॉडल के रूप में प्रस्तुत करे के बाद जोन अपने के नेपाल राज्य भर में अपने के 753 के स्थानीय तो मधे बहुदर माई नगर पालिका नंबर वन के दो नंबर वार्ड वही कह के हम प्री प्लानिंग करके योजना बना चुकल बनी पूरा पालिका एगो वार्ड नंबर दू ना पूरा पालिका होकर कह के वालों में सहमति के हिसाब से चली ना तो ऐसा ना होकर दूसर पार्टी के मेयर साहबानी कोनो सा कोनो विवरण में साइन ना करे ऐसा हो जाए ना ना गलत साइन सब करो ही अब हमने तो अपन वार्ड के जनप्रतिनिधि बानी वार्ड के अब जे मेयर साहबानी वो अपन देखस नगर पालिका देखस हमने के भी सहयोग करम सन
बहुदर माई नगर पालिका एक से लेकर नौ तक ले उन्नति प्रगति हो के जनता सुख शांति में रहो कहते हम बहुदर माई से कामना भी करते सन। सर्वसहमति से सर्वदलीय बैठक रख के सहमति में विकास निर्माण के काम एगो नमूना रूप से हो के हम कहे जे भी साथी लोग जीतल बा बहुदर माई तक जाके वहाँ प्रार्थना कैला बा हम निमन से काम करें अपन अपन जुलूस ले गई बा हम भी ले गई बानी सन। इससे हमनी के विश्वास बा बहुदर माई के उन्नति प्रगति विकास के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ रही कह के हम अपने के विश्वास दिलाव के चाहे जनता के खातिर अब की बार और का योजना रख ले बानी अब की बार तो अपने के जितना अधूरा चीज बाड़ा सन जौन तंगा कम हो गए बा काम करे के बाकी बा रोड नाला सड़क के काम स्वास्थ्य के काम शिक्षा के काम किसान के कृषि के काम अपने के युवा खातिर खेलकूद के काम विभिन्न किस्म के तालीम के काम महिला सशक्तिकरण के काम सारा चीज अपने के अपने के एक साल के दौरान में अपने के लगभग पूरा करे के प्रयास करते नहीं सन। बाकी जौन समय रही उ जनता के चाहना इच्छा अनुसार के और थप कोनो और नगर पालिका गाँव पालिका के कोनो मॉडल भइल बा में अनुभव करके हमनी के यहाँ शेयर करम सना के। कृषि में कैसन ध्यान दे हम समय पर जनता के खाद ना मिली खाद के समस्या तो नेशनल स्तर के खाद के समस्या अपने के नेशनल स्तर के ही बात बा मगर हमनी के वार्ड स्तर से हमनी के पहल करम सन ओकरा के जल्दी से जल्दी समय में खाद पानी के डिविजन के व्यवस्था मिला के प्रयास करम सन जी। और स्वास्थ्य का अवस्था कैसा रही वहाँ के जेकर थोड़ा गोड़ चिरा जाए वो टाका लगावे खातिर बिरगज आवे पड़ी कि वार्ड में टाका लग जाए। अब तो घाव के परिस्थिति अनुसार हुई छोटा बा प्राथमिक उपचार बा तो यहाँ हुई यहाँ से नहीं भैया वाले के तो हमनी के अब नगर पालिका में एम्बुलेंस राखल बा ओकरा के औषधि के उपचार लेकिन वो एम्बुलेंस अभी तक ले ना चलल जितेंद्र जी अभी तो भल आयल अपने के एक दो महीना मोटा मोटी भल अब संचालन को नियम प्रक्रिया प्रोसेस सब कार्यान्वयन हो गई बा अब लोगों में संपर्क करी फोन करी तो जाई अभी तो चुनावे हो गए एक महीना के डिस्टर्ब यही में हो गई सर अब व्यवस्थित रूप में संचालन हुई लेकिन जनता के पहले से जितना परिवर्तन रुआ लोग कैले बानी ओकरा से दुगुना परिवर्तन अब की बार हुई रुआ अपना वार्ड के बात बता रहल बानी एकदम निश्चित बा अपने के जितना पहले से भइल बा ओकरा से अपने के ट्रिपल चौगुना हुई एमे कोनो किस्म के शंका उपशंका नहीं है काहे से तो हमनी के प्रमाण बा कि बहुदर माई नगर पालिका एक से लेकर नौ तक ले और नगर पालिका के गाँव पालिका के तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित भइल बा विकास के निर्माण के काम अपने के प्रमाणित भइल बा जानकारी दिलावे के चाही बढ़िया काम कैले बानी जनता दोबारा भी मौका देले बाटे एकरा बाद में बढ़िया काम करम जनता बहुत मौका देले पहिले भी अपने अंदर बात ले ले हम कॉल लेन जी 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 हम कॉल लेन हमनी के जनता के एक बात और याद बाटे जितेंद्र जी हमनी के गांव घर में देखल जा युवा लोग कितना बेरोजगार रहनी बहुत युवा लोग बेरोजगार बने बेरोजगारी युवा लोग के खातिर रउवा लोग इनके कदम कैसन रहे बेरोजगार युवा साथी लोग खातिर हमनी के अब विभिन्न किस्म के सिप मूलक तालीम देने के प्रयास करते हैं इस साल में आ गरीब किसान महिला ओकरा के किसानी में ओकरा के रोज साल तीन पांच बरस रोजगारी देवे के प्लान कैले बनी पांच बरस के हमनी के एगो पारिश्रमिक जौन बा नेपाल सरकार के मापदंड के भीतर हमनी के देवे के प्रयास करम सन ई अपने के बुझिना ई आर्थिक वर्ष के बजट आ जाये ओकरा बाद में कानून में शुरू हो जाये। और अभी तक गाँव में कुछ जगह देखल है तो नाला जितना व्यवस्थित कहल है उतना व्यवस्थित नहीं है नाला के सुधार कितना दिन में करम लगभग तू आके अपने देखे फोन पर कहला से ना हो व्यवस्थित बाकी ना बा आके देखला से हम पहले भी अपने लोग से भी कहें जो अंतर्वार्ता लेवे से पहले एक बार गांव के अनुगमन करी विजिट करी देखी वास्तव में कहाँ चीज के कमी बेसी बा कहे से तो अपने के अंतर्वार्ता लेवल चीज हमनी के अंतर्वार्ता देवल चीज ये पूरा अपने के देश भर के लोग सुनता लेकिन जनता के रुआ वार्ड के जनता कहत बाटे अब हम आके देखी ई का हो जनता तो अब देखी कोई जान तो पक्ष विवश कर रुआ भी आई लोग हम चाहे रुआ लोग भी खाली अपने लोग अंतर्वार्ता लेवे के खाली हाल जाने में कम से कम जहाँ लोग जनता बुलाओ ता पीड़ित वो अपन बात कहता तो कम से कम वार्ड के विजिट करें अपना से देखें तो दोनों पक्ष के बात मिली नु जो केकर जाइज बा न जाइज बा कमी भइले ओकरा कमी के सुधार करे के प्रयास करम सन आ कोइले चीज के केहू कम्प्लेन करता तो वो में अब तो प्राण नानू डाल देम सन जी। अब जनता प्रश्न करता रहुआ से पूछे के हमनी के फर्ज बार रहुआ से पूछल त रहुआ भी बता देनी जवाब देनी होइए त गइल बात हो रागे ना ना वो अपने लोग एकदम कमी बात चीज है अपने अंदर बात सुनल बात अपने लोग जनता के बीच में बोले नहीं अपने लोग भी टाइम मिला के एक बार अनुगमन करें देखें तब तो समझ आए जी। चले एक बाद रउरा वाडा में बहुत ज्यादा अनुगमन हो एक बाद में रउर वाडा में हमने के कैमरा और माइक रउरे वाडा में रहे जे कितना परिवर्तन जितेंद्र पटेल जी कर दवाने और बिहार से डिप्टी रउआ वार्ड में 10 बजे से लेकर 2 बजे रहे एकदम निश्चित रूप में काम करे से पहले के हमनी के लगे फोटो रहेला काम करे के भी दौरान में रहेला फाइनल भी रहेला एकदम प्रमाण के साथ हमनी के लगे बा नगर पालिका में फाइल भी पेश भइल बा अपने के पहले के अवस्था अभी के अवस्था
बीच के अवस्था तीन टर्म के हमने के वहाँ फाइल पेश करनी सन जो बिहान के प्रश्न खड़ा करे जो पहले के चीज ऐसा के तरह लग रही फोटो खींच के देखल बा कह के वैसा चीज के भ्रम फायदा हम करे ना देवनी सन और साथी लोग क्यों करते हैं अलग बात बा। दो नंबर वार्ड में हम यहाँ भी कहनी अपने की क्षेत्र भी देश भी प्रदेश भी दो नंबर क्षेत्र भी दो नंबर वार्ड भी दो नंबर यहाँ के आदमी भी जे बा सजग बा ये वार्ड में कोनो किस्म का गलत काम ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी एक बाद में रुआ अपन नगर वार्ड के बहुत बढ़िया बनाए कह के जौन रुआ एपरा घोषणा करत बने रेडियो सानवी के माध्यम से बतावत बने साल भर के बाद ही प्रश्न रुआ से फिर पूछल लई जे का साल भर के ना अपने के 6 महीने के बाद आके या 3 महीने के बाद प्रश्न खड़ा करी ना साल भर तो 4 दिन हो गेल अपने के 3 महीने के बाद आके फिर प्रश्न अपने के जनता के बीच में रख सकतनी। रोड के अवस्था भी बढ़िया बनाए ऐसा जे जनता ऊपर एकदम एकदम जनता के जितना दुख दर्द से जितना पीड़े से चुनाव माहौल में विजय कर लेबा उस चीज के हमनी के जनता के मान सम्मान कदर में कमी ना हुई विकास निर्माण में कमी ना हुई जनता के स्वास्थ्य में शिक्षा में कमी ना हुई कैसे होगा कि हम एकदम निश्चित बहुदर माई के अपने जब साक्षी रखे अपने के प्रतिबद्धता जाहिर कर जे अजय रुवा के अजय रुवा का वोट नहीं गए लोग रहे क्या करें वोट सब लोग दे लेन वोट के ना दे तो पक्ष विपक्ष रहला अपन अपन टीम रहला जनता जे जायज व्यक्ति ना जायज व्यक्ति छाने का अधिकार जनता के न हो एमे पक्ष विपक्ष नहीं के जीत हो गई सब लोग वोट दे ले जीत हो गई सब कोई वोट दे ले भाई रुबा बतावत बने जी जी चले और वार्ड वासी भी सुन रहल बानी जितेंद्र पटेल जी कहत बानी जीत हो गई तो सब कोई वोट दे ले बानी और जितेंद्र पटेल जी से जौन भी बात बड़े तो अब खोल के बतियाई लगन काहे से यहां कह देनी जे सब कोई वोट दे ले बानी काम के मैटर में केकरो कॉम्प्रोमाइज ना काम के मैटर में केकरो सरस सरस ना हम केकरो बातो ना सुननी पक्ष होई विपक्ष होई सब कोई समान बा काम सिस्टम से अगर डॉक्यूमेंट होई सिस्टम से सिफारिश होई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत अंत में कार्यक्रम के अंत अंत में अपन वाड़ा वासी सर्व का कहे के चाहे हम ये अपने वाले बाकी लोग के कहे के चाहे जो रोग लोग जन हमारा खातिर अमूल्य मत दे के विजयी करे नी अपने के मान सम्मान कदर में अपने के जान धन के रक्षा करे में हमारा उसे कोनो किस्म के एक इंच बैठ ना होकर हम कहते रोग लोग को प्रतिबद्धता जनाव के चाहते नहीं आई ऐसा ही शांत वातावरण मिला के सहयोग करी लगन हम निश्चित रूप में अपने के बहुदरमयी नगर पालिका दो नंबर वार्ड देश भर के नमूना रूप में बनाए कहते अपने लोग वादा करते नहीं बहुदर माई के साक्षी रह के अपने लोग प्रतिबद्धता करते नहीं चीज के हम विश्वास दिलाव के चाहे। धन्यवाद जितेंद्र जी छुटे चाहे नमस्कार ल ल धन्यवाद आदरणीय श्रोता हमने के साथ में रहनी है जितेंद्र पटेल जी बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष और साथ में ऐसे धुबनी गाँव पालिका के मेयर वहाँ के बानी धुबनी गाँव पालिका के अध्यक्ष मदन चौहान जी वहाँ के नवनिर्वाचित बानी और साथ में जितेंद्र पटेल जी भी। अब यहाँ लोग कौन तरीका से काम करें अब जनता एक दो महीने के बाद से पता लगावे लगी जनता के भी पता लगे लगी हमने के भी पता लगे लगी जितेंद्र पटेल जी कहत बानी अपन वार्ड के बहुत ज़्यादा प्रगति मिले जाए 6 महीना के बाद में 7 महीने के बाद वहाँ के मोबाइल में कॉल करके प्रश्न पूछल ले जो वास्तव में जनता के खातिर वो क्या कहने और जनता अब की बार सही निर्णय कैले बानी बहुत खुशी लागत बाटे अब की बार के चुनाव दे के अब की बार के परिवर्तन देख के जितना खुशी लागत बाटे जनता में कितना प्रगति भइल बाटे शिक्षा के हिसाब से जनता में कितना विकास भइल बाटे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़त बाटे जे जनता अब की खैले वानी नोच के और वोट दिले वानी सोच के ये जौन एगो सामाजिक संजाल में वायरल भइल रहे वास्तव में 100% सही पुगल बाटे जनता जेकरा साथे जे अपना आपके एगो पालिका के मेयर हो के एगो गांव पालिका के मेयर हो के अपना आप के मंत्री जे घोषणा कैले रहे ओकर भी घमंड जनता आज तुर चुकल बानी बहुत जगह जनता परिवर्तन कर चुकल बानी बहुत लोग अपना आप के बहुत बड़का घमंड कैले रहे और एक से एक बात इंटरव्यू में बोलते रहे एक से एक बात सामाजिक संजाल में लिखवावत रहे शायद बेरा वो लोग सामाजिक संजाल में कुछ नहीं खे लिखत पते नहीं खेला वो लोग केने गए चुनाव जब 500 गिने के बाकी रहता विपक्षी 1000 से आगे रहत बाटे तो वहाँ से तौन तरीका से लोग निकलत बाटे जो जनता देखे ना सको जो हम के माह निकल के घरे नहीं है ऐसा भी अवस्था रहल बाटे लेकिन जनता के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे जो अब की बार परिवर्तन बहुत बढ़िया तरीका से भइल बाटे और जनता जौन भी कदम उठेले बा अब की बार के चुनाव में बहुत बढ़िया तरीका से कदम उठेले बा पैसा के अहंकार और पैसा के घमंड भी जनता अब की बार के चुनाव में बता चुकल बाटे और हमेशा इहे शिक्षा और इहे कदम जनता के रहे के पड़ल जनता के साथे जे बढ़िया काम कहनी दोबारा मौका मिले के पड़ल जनता के साथे जे बढ़िया काम ना कहनी परिवर्तन होके के पड़ल और जनता अब की बार उ कैले बानी
बहुत खुशी लागल बाटे, धन्यवाद बाटे पूरा परसावासी के। अब की बार बढ़िया निर्णय हर पालिका गांव पालिका में देखे के मिलल बाटे। आदरणीय श्रोता, समय बहुत कम रहला और बहुत कम समय में रहुआ लोग इनके साथ में प्रस्तुति जनाव के रहला, कार्यक्रम आमने सामने रहुआ लोग सुन के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में टेक सपोर्ट करके साथ देनी सानू जी, वहां के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छुटे के चाहे सुनत रहे रेडियो शान भी 96.4 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार, प्रणाम।